हमारे चैप्टर 8 है इनकम स्टेटमेंट चैप्टर 8 और बैलेंस शीट चैप्टर 9, ये दोनों जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन वो स्टेटमेंट्स जिसमें हमारे पता फाइनेंस का जिक्र हो, पैसों का जिक्र हो कि कितना प्रॉफिट लिया, लॉस किया, कितना इन्वेस्ट किया, ये जो भी हम अकाउंटिंग साइकिल का काम करते हैं उसके लास्ट में स्टेटमेंट बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे हमारे बिजनेस कहाँ पे हमारी खड़ी है, तो बिजनेस जो है ना हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो किस्म के होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। 8 जब हम इनकम स्टेटमेंट बनेंगे, इनकम की स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और तीसरा नाम है इसका रेवेन्यू एक्सपेंस स्टेटमेंट। ये हम चैप्टर नंबर 8 में हमने इनकम स्टेटमेंट जो है इसके हवाले से हमने ये पता था कि एडजस्टिंग इंक्रीज पास करेंगे, एडजस्टेड ट्राइबुलेंस बनाएंगे। एडजस्टेड ट्राइबुलेंस बनाने के बाद इन लास्ट में दो चीजें बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नेक्स्ट 9 चैप्टर में हम बनाएंगे। जो इनकम स्टेटमेंट है ये 8वां चैप्टर है, उसमें जो ये चीज जो बनती है दो चीज से बनती है, एक्सपेंस और रेवेन्यू से बनती है। जो हमने पिछला चैप्टर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बैलेंस शीट जो बनती है तीन अकाउंट से, एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटीज। अब इसमें दो चीजें पढ़ेंगे कि जो 5 नेचर ऑफ अकाउंट है, 2 से इनकम स्टेटमेंट बनते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस से, और 3 से एसेट लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी से बनते हैं बैलेंस शीट। अब इस चैप्टर में इनकम स्टेटमेंट को डिटेल पढ़ेंगे। इनकम स्टेटमेंट इनकम की स्टेटमेंट कि हमारी इनकम कितनी हुई है, ये स्टेटमेंट हम एट द एंड ऑफ ईयर बनाते हैं। यूजुअली ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो महीने के एंड में बनाए या क्वार्टरली 3 महीने के एंड में बनाए या साल के एंड में बनाए। ज्यादातर हम जो है ना ये महीने के एंड में बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट जो है ना जो बनता है वो एडजस्टेड ट्राइबुलेंस से बनता है। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम है रेवेन्यू एक्सपेंस स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अंदर हम पढ़ते हैं कि रेवेन्यू को ऊपर लिखते हैं, रेवेन्यू से माइनस करते हैं एक्सपेंसेस। इसके अंदर दो चीज होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू से हम माइनस करते हैं एक्सपेंस जो हमें मिलता है इनकम स्टेटमेंट। तो मतलब ये है कि हम सबस्ट्रैक्ट करते हैं एक्सपेंस को रेवेन्यू से, ऊपर लिखते हैं रेवेन्यू सेल से जनरेट होता है, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं उन सबको हम माइनस करते आते हैं। आखिर में सब जॉब में प्रॉफिट एंड लॉस का लिखा है इसको एक फॉर्मेट को डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में। इनकम स्टेटमेंट का प्रोसीजर क्या है नेक्स्ट में, तो फॉर्मेट की शिकल में इसमें थ्योरी की शिकल में मैंने समझा दिया ताकि आसान हो आप लोगों को समझाने के लिए। जो मैंने फार्मूला बताया था कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल इनकम स्टेटमेंट पे ऊपर लिखा है, ये फॉर्मेट में नहीं है, मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा है कि पहले रेवेन्यू अकाउंट होंगे, नीचे एक्सपेंस अकाउंट होंगे। अब रेवेन्यू कैसे जनरेट होती है, ऊपर फॉर्मेट में रेवेन्यू लिखेंगे, रेवेन्यू वर्ड, उसके बाद नीचे लिखेंगे सेल। रेवेन्यू सेल्स जनरेट होती है कि हमने सेल कितने किए, सेल क्या है कि कितने हमने प्रोडक्ट सेल किए। सेल से जो माइनस होंगे, अगर जो सेल किए चीजें हमारे रिटर्न हुई हो, सेल रिटर्न एंड अलाउंस, कोई चीज खराब हुई हो, सेल नहीं हुई, रिटर्न हुई हो, वो डिटेक्ट होंगे। जो जवाब आएगा हमारा आएगा नेट सेल, कि नेट सेल कितना है। नेट सेल मीन्स सेल, अब कितनी सेल हमने की है तकरीबन। फिर सेल से मीन्स नेट सेल से हम माइनस करेंगे एक्सपेंस, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है रेवेन्यू मीन्स माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू क्या है, सेल है, इस वक्त सेल ही रेवेन्यू जनरेट करता है। सेल से माइनस करेंगे एक्सपेंस, अब एक्सपेंस कैसे माइनस करेंगे, नीचे सब फॉर्मेट एक्सपेंस का है, एक्सपेंस माइनस करेंगे, उसके लिए ऊपर वर्ड हम यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, के कितना खर्चा आया गुड्स को सेल करने में। जाहिर बात है सेल से पहले हमने परचेज भी किया होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आया होगा और बहुत सारे एक्सपेंसेस आए होंगे हमें चीज को सेल करने के लिए, तभी हम एक्सपेंस नीचे सब लिखेंगे कि हमने सेल करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, मीन सेल करने के लिए कितना खर्चा आया। तो पहला है कास्ट ऑफ सेल्स मीन कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना खर्चा आया। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या लिखेंगे हम उसके अंदर लिखेंगे कि हमने एक पहली बार कभी कभी ओपनिंग स्टॉक होता है तो लिखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक हमने जब स्टार्ट किया बिजनेस तो कितना हमें पिछले दिन का बिजनेस हमारा स्टॉक भरा हुआ था। तो उसमें कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये होता है कि ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर लिखेंगे परचेज, परचेज हमने कितना किया। फॉर एग्जाम्पल हमने सेल किया 5 लाख और ओपनिंग स्टॉक था 2 लाख और 2 लाख 1 लाख हमने परचेज किया। अब परचेज करने के बाद हम फिर लेस करते हैं, माइनस करते हैं परचेज से, क्या करते हैं हम माइनस करते हैं परचेज रिटर्न को, वापस नहीं आएगी। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम ये करेंगे कि परचेज और उसको परचेज एंड
ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे जो है इसे हम परचेज रिटर्न और ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस कितना खर्चा आया है वो भी हम इससे लेस करेंगे। जो जवाब आएगा उसको कहते हैं हम नेट परचेज, मींस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद में जो नेट परचेज आएगा, मींस नेट परचेज में आएगा उसको हम सेल से माइनस करेंगे कि कितना हमने सेल किया और कितना परचेज किया। जो जवाब आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ये है कि हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से वो नेट सेल से। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें लास्ट में क्या था? नेट परचेज। नेट परचेज को माइनस करेंगे नेट सेल से, जवाब आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट एक प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस से पहले। अब उसके बाद में नीचे लिखेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मीन्स हमें इस चीज को ऑपरेट करने के लिए कितना खर्चा आया डेली बेस पे। जाहिर बात है इसकी चीज जो बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग की होगी, दूसरे हल्के फुल्के हमारे खर्चे आए होंगे, मैनेजमेंट के खर्चे आए होंगे, हमने लोग रखे होंगे और बहुत सारे खर्चे आए होंगे, वेजेस के सैलरीज के खर्चे आए होंगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में फॉर एग्जाम्पल हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिखा और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिखा, इन चीजों को टोटल करके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो हम जो है माइनस करेंगे किससे? नेट सेल से। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है हम इसको लेस करेंगे नेट सेल से, तो जो नेट परचेज जो हमारा आ गया जो सेल से माइनस किया हुआ नेट परचेज से हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस सबको सबस्ट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे, लेस मीन माइनस करेंगे, तो जवाब आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मीन्स ऐसा प्रॉफिट या नेट इनकम। नेट इनकम मीन्स ऐसा इनकम जिसमें हमारी जो टैक्स इंक्लूड नहीं हो, फिर हम उसको उससे पे लेस करेंगे टैक्स। जाहिर बात है चीज को बनाने के लिए कस्टम टैक्स दिया होगा, गवर्नमेंट का टैक्स हमें दिया होगा, इनकम टैक्स दिया होगा, तो टैक्स को माइनस करेंगे तो जवाब आएगा वो आएगा नेट इनकम, मीन्स वो प्रॉफिट की स्किल में होगा, लॉस की स्किल में होगा। ये पूरा प्रोसीजर है, इस फॉर्मेट को नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल पर विद फॉर्मेट। अब इसमें जो फॉर्मेट है हमारा, ये फॉर्मेट में डॉट डॉट स्किल लिखी है, फिर नेक्स्ट इसी फॉर्मेट में डेटा देकर पुट कर देंगे। अब ये फॉर्मेट है, हमने मैंने पिछली स्लाइड बात अगर रेवेन्यू से माइनस करेंगे एक्सपेंस तो जवाब आएगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सेल्स करना पड़ता है। ऊपर रेवेन्यू लिखे भी आपकी मर्जी सेल्स के ऊपर, तो रेवेन्यू मैंने नहीं लिखा है, रेवेन्यू लिख सकते हैं, रेवेन्यू के नीचे लिखे सेल। अब सेल्स में मैंने तीसरे रो में सेल लिखेंगे डायरेक्ट डॉट 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 लाइन। अब इसमें फॉर्मेट में दो लाइन है, एक डॉट डॉट डॉट, एक डॉट के ब्रैकेट में बंद। तो ब्रैकेट में डॉट बंद है इसका मतलब ये है कि ये माइनस हो रहा है, और जो ब्रैकेट में बंद नहीं है मतलब ये है कि ये प्लस का है, और जो ब्रैकेट में बंद है अगर के उसके ऊपर जो लिखा हुआ है डॉट डॉट मतलब उससे ये नीचे वाला क्या हो रहा है? माइनस। और अगर जो ब्रैकेट में जो बंद है डॉट डॉट उसके नीचे जो आ रहा है जॉब मीन उसका मतलब कि यहाँ टोटल हो सकता है या वो प्लस का हो सकता है। अब इसमें जो मैंने सेल्स में तीसरे रो में जो है हमारा क्रेडिट का रो है उसमें मैंने डॉट डॉट बनाए मतलब ये सेल्स हमारा तीसरे रो में आएगा। सेल के बाद सेल अगर जो कुछ नहीं की हो तो सेल रिटर्न, सेल्स अलाउंस हमने डिस्काउंट दिया हुआ अलाउंस किया हुआ तो वो लेस होंगे। लेस होंगे मीन्स ऊपर सेल के से माइनस होंगे। जॉब आएगा तीसरा कॉलम है उसको कहते हैं नेट सेल। सेल से हम लेस करेंगे सेल रिटर्न, जॉब आएगा और नेट सेल। अब ये जो नेट सेल है मीन सेल यही हमारी ये जो नेट है यही हमारी सेल है। अब ये सेल तो हुई है, अब सेल से कैसे पता प्रॉफिट में लॉस में? फिर सेल्स मीन्स रेवेन्यू, सेल्स से हम माइनस करेंगे एक्सपेंस को। एक्सपेंस मीन नीचे सब कॉलम है एक्सपेंस कितना खर्चा आया है, तो उस खर्चे होने के बाद ये चीज हमने सेल की है। अब जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस यहाँ पर वर्ड यूज होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना चीज को हम बेचने में खर्चा आया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट कितना है चीज को बेचने में। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक हेडिंग है, उसके नीचे पे लिखेंगे हम, उसके ऊपर कोई फॉर्मेट नहीं है, उसके अमाउंट नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस है समझे। ये जैसे ऊपर रेवेन्यू है, रेवेन्यू से माइनस ये एक्सपेंस है, उसके नीचे पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ओपनिंग के वक्त स्टॉक है तो वो हम भी लिखेंगे, अगर नहीं है तो डायरेक्ट परचेज लिखेंगे। ओपनिंग स्टार्ट डॉट 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 में लिखा हुआ है इसका मतलब लेस नहीं हो रहा, ओपनिंग स्टार्ट का अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद एड, एड करेंगे परचेजेस, ओपनिंग स्टार्ट में प्लस करेंगे परचेज, क्योंकि हमने जो परचेज किया वो भी हमारा अपना है, एक्सपेंस में वो भी हमारा सामान अपना है, ओपनिंग स्टार्ट भी हमारा अपना है, दोनों सामान को एड करेंगे तो ये हमारा सामान हुआ। अब इस सामान को हमें बेचना है, सेल करना है। ये जो ओपनिंग स्टॉक में एड करेंगे परचेज,
अब इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद इन दोनों में से जो जॉब आएगा उसमें से जो लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे ऐड करने से, लेस करेंगे पर्ची रिटर्न अलाउंस। ड्राइवर ने कुछ पर्ची समय वापस मिले होंगे, रिटर्न किए होंगे, हुए होंगे, खराब हुए होंगे, हमने नहीं होंगे, तो उसके पर्ची रिटर्न अलाउंस के ऊपर मैंने डॉट लिखी हुई है, तो उससे फिर हम लेस करेंगे ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस। पर्ची रिटर्न के ऊपर भी डॉट है, अलाउंस के ऊपर भी डॉट है, यदि ये दो है तो दो डॉट मैंने लिए है, तो उसके बाद फिर लेस करेंगे ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस। ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस हम लेस करेंगे मीन ब्रैकेट में है। अब ये तीनों चीजें हम लेस करेंगे और चौथा लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। इन सबको हम लेस करेंगे, जो जॉब आएगा हमारा सबको लेस करेंगे। लेस करने के बाद हम उस कॉलम में लिखेंगे कि हमने परचेज ओपनिंग स्टॉक एड किया, उनमें से ये परचेज रिटर्न, परचेज अलाउंस, ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक लेस किया, इस तरफ आया। इस तरफ जो भी जॉब आएगा उस जॉब से हम सेल, जो नेट सेल है उसको माइनस करेंगे। ब्रैकेट में तीसरे कॉलम में इनका टोटल आया, तो उसके जो नेट परचेज है टोटल इसका आया कि अभी तक इतनी परचेज हमारी, उन दोनों को हम फिर नेट सेल्स, नेट परचेज माइनस करेंगे। जॉब आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जॉब आया, ग्रॉस प्रॉफिट मीन ऐसा प्रॉफिट जिसके अंदर परचेज हो, ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस हो, अदर एक्सपेंसेस शामिल नहीं हो। अब अदर एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, अदर एक्सपेंसेस में हमने डेली बेस पे एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस किया होगा, इंटरेस्ट का किया होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस किया होगा, वेजेस दिए होंगे लोगों को, सैलरी दिए होंगे, एक्सपेंस हमने किए होंगे, तो ये अदर जो एक्सपेंसेस हैं उन अदर एक्सपेंसेस के अंदर लिखेंगे हम, लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से सब एक्सपेंसेस। लेस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कौन कौन से हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, तीनों एक्सपेंस को टोटल करके उस कॉलम में तीसरे कॉलम में ले आएंगे। अब ये जो भी एक्सपेंस है इनको माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे, जो जॉब टोटल एक्सपेंस है इनको ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे, जॉब आएगा हम उसको, हम उस जॉब को कहेंगे कि नेट ऑपरेटिंग इनकम, ऐसी इनकम जो है ऑपरेटिंग के साथ हो। अब उससे फिर हम लेस करेंगे, लेस उससे हम क्या करेंगे कि टैक्स को, टैक्स को इनकम टैक्स हो गया, कस्टम टैक्स हो गया, लेस करेंगे टैक्स को, जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है उससे लेस करेंगे टैक्स को, जो जॉब आएगा वो हमारा होगा नेट इनकम। नेट इनकम वो प्रॉफिट भी हो सकता है, हमारा लॉस भी हो सकता है। अब ये फॉर्मेट है पूरा हमारा इनकम स्टेटमेंट का, इसको विथ डेटा में नेक्स्ट स्लाइड में डिफाइन करूंगा। इनकम स्टेटमेंट की डेफिनेशन हमने पहले देखी, रेवेन्यू से माइनस करेंगे एक्सपेंस। अब रेवेन्यू मीन्स सेल्स, सेल्स करने से रेवेन्यू आएगा। पिछले हमने स्लाइड में ये पढ़ा था कि फॉर्मेट डॉट डॉट में, डॉट डॉट मीन्स अमाउंट के आगे और ब्रैकेट माइनस हो रहा है। अब सेल्स फॉर्मेट में हमने 5 लाख किया, इसमें अमाउंट हमने मैंने डाले डॉट डॉट में। अब तीसरे कॉलम में 5 लाख का मैंने सेल किया। अब लेस कर रहे हैं सेल रिटर्न, कि सेल जो रिटर्न चीजें हुई है, सेल नहीं हुई है वो रिटर्न हुई है, वो लेस कर रहे हैं। 5 लाख का सामान लिया, 10,000 रिटर्न हुआ, तो जवाब आया वो आया 4,90,000। जो 4,90,000 जो जवाब आया हमारा वो हुआ नेट सेल, मीन्स हमने जो सेल किए 4,90,000 के हमने सेल किए। अब सेल 4,90,000 के हमने किए, अब इसमें हमें खर्चा कितना, एक्सपेंस कितना आया इसको सेल करने से पहले, अब वो एक्सपेंस लिखेंगे। अब एक्सपेंस के लिए वर्ड यहाँ यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मीन्स एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना आया, नीचे एक्सपेंसेस सब लिखेंगे, उसके ऊपर सामने अमाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरा अमाउंट नीचे भारी भारी लिखना है। अब ओपनिंग स्टॉक, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ओपनिंग के टाइम स्टॉक है, पड़ा हुआ हमारा सामान है पिछले महीने का, पिछले दिन का, तो ओपनिंग स्टॉक का भी लिखेंगे अमाउंट। अगर जो फायदे वो स्टार्ट करते वक्त, दुकान खोलने के वक्त, हमने जो बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त पिछले साल का 1 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ था वो लिखेंगे। फिर एड करेंगे परचेज, अगर जो ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो डायरेक्ट परचेज ही लिखेंगे। इसमें ओपनिंग स्टॉक है तो ऐड करेंगे परचेज, 1 लाख में 2 लाख का परचेज किया तो टोटल हो गए 3 लाख। अब ये जो 3 लाख है अब इसमें से लेस करेंगे, लेस मीन सबस्ट्रैक्ट माइनस, लेस करेंगे परचेज रिटर्न अलाउंस 5,000 और लेस करेंगे ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस 10,000, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग के टाइम स्टॉक कितना था वो भी लेस करेंगे 20,000। 5 और 10 15 हो गए, 15 और 20 35 हो गए, 35,000 ऊपर 1 लाख और 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से हमने 35,000 लेस किए तो टोटल बने 2,65,000। वो तीसरे कॉलम में लिखा जो हमारा है नेट परचेज, नेट परचेज होगा 2,65,000। अब जो नेट परचेज है, नेट परचेज 2,65,000 से माइनस करेंगे 4,95,000 जो नेट सेल है उससे माइनस करेंगे 2,65,000 नेट परचेज। जो जॉब आएगा 2,25,000 वो हमारा नेट ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट मींस ऐसा प्रॉफिट जिसमें जो है ना सेल से परचेज नेट सेल्स नेट परचेज माइनस किया हो तो कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जिसमें दूसरे एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस डेली एक्सपेंसेस का जिक्र नहीं हो। अब ग्रॉस प्रॉफिट से फिर हम लेस करेंगे कि इसको डेली एक्सपेंसेस क्या हुए अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो कौन कौन से हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस फॉर एग्जाम्पल हमारा आया 2000, इंटरेस्ट एक्सपेंस 3000 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 4000। ये तीनों चीजों को हम लेस करेंगे 2, 3, 5, 6, 5, 4, 7, 7000 इस तरफ हो गए टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस 7000 हुए, 2,25,000 से हमने टोटल एक्सपेंसेस 7000 माइनस किए तो जवाब आया 2,18,000। जो जवाब आया 2,18,000 ये नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम मीन कितना हमारा इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम मीन इनकम ऐसा इनकम जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मिलाने के बाद हो। अब मगर इस ये हमारा नेट इनकम नहीं है क्योंकि इसके अंदर टैक्स नहीं है, हमें टैक्स तो देना है तो उसके बाद लेस करेंगे इनकम टैक्स, लेस करेंगे कस्टम टैक्स। फॉर एग्जाम्पल इससे हम लेस कर रहे हैं इनकम टैक्स और कस्टम टैक्स फॉर एग्जाम्पल 1,000 तो जो टोटल आएगा वो आएगा 2,08,000। 2,08,000 हमारा टोटल आएगा मीन प्रॉफिट या लॉस में प्लस में मतलब प्रॉफिट में। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट है पूरा। तो आप करके दिखाएं कि ये एक इनकम स्टेटमेंट का दूसरा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में एक रो में लिखा हुआ है कि रेवेन्यू ऊपर है, नीचे सेल्स रेवेन्यू है, अदर रेवेन्यू है। ये जो भी रेवेन्यू है सेल्स से या अदर सर्विसेज से रेवेन्यू की हो, लेस है सेल रिटर्न अलाउंस है, टोटल रेवेन्यूज है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसके बाद फिर जो जवाब आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद वो ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस है अकाउंटिंग एक्सपेंस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, उसके बाद ये माइनस करने के बाद जवाब आएगा टोटल एक्सपेंस 2,58,000। ये नेट इनकम हो गया बिफोर टैक्स, उसे फिर माइनस करेंगे हम टैक्स, इसमें जो भी अमाउंट लिखा हुआ है होगा नेट इनकम। ये एक और फॉर्मेट जो मैं लिखा है ये प्रैक्टिस के लिए है, ये एक ही फॉर्मेट की शिकल में है, सिंपल है, प्रैक्टिस करें। और भी फॉर्मेट है सबको प्रैक्टिस करें, नहीं आए तो ये एक और फॉर्मेट है प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस करें। इनकम स्टेटमेंट है, ऊपर रेवेन्यू लिखा हुआ है, रेवेन्यू फिर ग्रॉस सेल है, फिर लेस सेल रिटर्न एंड अलाउंस है, सेल से सेल रिटर्न अलाउंस, नेट सेल है, टोटल के बाद टोटल लाइन के नीचे जीरो लिखा हुआ है, इसमें अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, 0,0 की शिकल में। तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है, उस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड से नीचे परचेजेस, परचेज कितने किए, डिलीवरी चार्जेस मीन ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस है, ये परचेज से ये इसको लेस करेंगे जवाब जो आएगा वो आएगा ग्रॉस सेल प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद है अदर एक्सपेंसेस है, नीचे एक्सपेंस 1, 2, 3, 4 है, उसके बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम, फिर अदर इनकम है मीन्स और कौन कौन से इसमें है इनकम हुई हमारी, उसके बाद टोटल अदर इनकम, उसके बाद नेट इनकम है। ये एक और फॉर्मेट करने का, हर फॉर्मेट में मुख्य चीजें नहीं आती हैं, मगर फॉर्मेट पे करें, तीनों फॉर्मेट को करें और नहीं आए तो फिर डिटेल में से पूछें। ये एक और फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का।